हे गाइस, अभी कुछ ही दिनों पहले एप्पल के लगभग सभी आईफोन्स को एक नया अपडेट मिला है iOS 14 का, और उसमें एक बहुत ही तगड़ा फीचर ऐड हुआ है जिससे कि आप किसी भी एप्पल के आईफोन के बैक पैनल पर अगर टच करोगे तो उसे एज अ टच स्क्रीन यूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आपके एंड्रॉइड फोन पर भी इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इजीली आप आपके एंड्रॉइड फोन के बैक पैनल को एज अ टच पैनल यूज कर सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे तगड़े वीडियो ना मैं चैनल पर लेके आता रहता हूँ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत ही इजी है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सिंपली आपको सिंगल क्लिक करना है कुछ इस तरह से एप्लीकेशन के नाम पर, टैप टैप नाम है इस एप्लीकेशन का, और इजीली डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद इंस्टॉल कर लो इस एप्लीकेशन को और सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर लो। अब जैसे ओपन करोगे ना, सबसे ऊपर ये आपको परमिशन मांगेगा एक्सेसिबिलिटी की, बस एक ही परमिशन मांगता है ये एप्लीकेशन, तो इसे आपको ऑन कर देना इस परमिशन को, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है। तो सिंपली जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन में एंटर करोगे तो उसके बाद आपको एक्शंस का एक बटन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, और डिफॉल्ट में आपको लॉन्च असिस्टेंट की एक्शन दिखती है। तो जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं फ़ोन के बैक पर, तो कुछ इस तरह से असिस्टेंट लॉन्च हो जाता है। अब आपको इसे अगर हटाना है और किसी और एक्शन को रखना है, जैसे स्क्रीनशॉट की एक्शन है यहाँ पर डिफॉल्ट में, तो इस पर आपको क्लिक करना है और डबल क्लिक कर देना है बैक पर। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और गाइस, कि आप किसी भी एप्लीकेशन को डबल टैप करके लॉन्च कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पबजी ही खेलता हूँ, तो पबजी को हम यहाँ पर डबल क्लिक पर रख कर देखते हैं कि लॉन्च होता है कि नहीं। तो हमने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पर, और ऑफकोर्स हो जाना चाहिए, हो गया है गाइस। तो PUBG भी यहाँ पर, मतलब मीन्स कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर डबल क्लिक पर यहाँ पर लॉन्च के लिए रख सकते हो। इसी के साथ बहुत से प्रैक्टिकल फीचर्स है यहाँ पर एक्शंस में, तो जैसे यहाँ पर क्विक सेटिंग या फिर नोटिफिकेशन पैनल, आप उसे भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले यहाँ पर इसको रिमूव करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं डबल टैप करता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल बहुत ईजिली यहाँ पर नीचे आ जाता है। और इसी के साथ गाइस, एक सबसे प्रैक्टिकल फीचर जिसे मैंने अभी तक लगा कर रखा है मेरे फ़ोन पर, वो है फ्लैशलाइट का, कभी भी इमरजेंसी में काम आ जाता है। और सिंपली आप यहाँ पर डबल टैप कर अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है, और एक्शंस में बहुत और कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम अप भी कर सकते हो, तो ये भी एक प्रैक्टिकली यूज़ डे टू डे लाइफ में कर सकते हो इस फीचर को भी। तो गाइस, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इजीली अपने फ़ोन के बैक पैनल को एज अ टच पैनल यूज़ कर पाओगे। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।